रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि रूस की मदद करने के लिए क्राइमिया में ईरान के सैनिक पहुंच गए। इसके साथ ही दावा ये किया जा रहा है कि ईरान के सैनिक रूस के सैनिक को ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दे रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया कि ईरान के शाहिद 136 और मोहेजर 6 ड्रोन से रूस ईरान की मदद से कीव पर भयानक हमले कर रहा है। ईरान शुरू से ही रूस की जमकर मदद कर रहा है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन से सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से ईरान के सैनिक रूस पहुंचकर मदद कर रहे हैं, उससे अमेरिका और यूक्रेन बुरी तरह से बौखला गए। दावों पर यकीन किया जा सकता है कि रूस के क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक का बदला रूस ईरान के ड्रोन और मिसाइलों से ले रहा है। क्रेमलिन पर हमले के बाद से क्या यूक्रेन को मिला अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ईरान की घातक मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि यूक्रेन, अमेरिका और नाटो ईरानी मिसाइलों के हमलों को छिपा रहे हैं? क्या वाकई में ईरानी मिसाइलों से रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के मिसाइल सिस्टमों को तबाह करके रख दिया है? डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये दावे क्यों कर रहे हैं कि ईरान के ड्रोन हमले कामयाब होने के बाद से ईरान ने रूस को हजारों मिसाइलें हमला करने के लिए दे दी हैं? दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने रूस को अपनी फतेह 110 और सोल्फा घर मिसाइल दे दी है, जिसने यूक्रेन और नाटो के डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त जंग के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जेलेंस्की ने ईरानी हथियारों की मारक क्षमता के बाद नाटो और अमेरिका पर भड़कते हुए साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका घातक मिसाइलें और F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को नहीं देगा तो फिर यूक्रेन को मजबूरन जंग में आत्मघाती कदम उठाने पड़ सकते हैं, जो यूक्रेन के लिए विनाश भी साबित हो सकता है। पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक के बाद से पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुकी है। पुतिन का गुस्सा जेलेंस्की और यूक्रेन पर ज्वालामुखी की तरह दहक रहा है। ड्रोन हमले के बाद से रूस ने पूर्वी यूक्रेन के बखमूत, डॉनबास, डोनेस, खेरसोन, खार्किव, ज़ापोरिज़्या और लुहांस्क ओब्लास्ट में जबरदस्त हमले किए हैं। भले ही यूक्रेन और अमेरिका दावा करें कि उन्होंने पिछले 5 महीने में रूस के 20,000 सैनिकों को मार डाला है और 80,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को घायल कर दिया है, लेकिन हकीकत में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके के 1,05,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को पूरी तरह से रौंद डाला है। भले ही यूक्रेन और नाटो दावा करें कि 14 महीने की जंग में रूस के 1,90,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और करीब 3800 रूसी टैंक यूक्रेन के हमले में तबाह हो चुके हैं, लेकिन जमीन पर यूक्रेन का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम और 45% तोपखाना अब तक रूस तबाह कर चुका है। जानकारों का दावा है कि रूस ने अपने हथियारों के साथ ईरानी हथियारों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है। राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने महीनों पहले ही तय कर लिया था कि एक बार यूक्रेन को हराने के बाद अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देशों से हिसाब किताब पूरा किया जाएगा। शायद यही वजह है कि ईरान आंख मूंद कर अपने देश को दांव पर लगा चुका है। इस वक्त ईरानी बंकर में रखे घातक मिसाइलें, बम और ड्रोन लगातार रूस पहुंच रहे हैं। ईरानी जनरल खुद चुन चुन कर अपनी मिसाइलें रूस को दे रहे हैं। पहली नजर में ईरान के हथियार बंकर किसी फिल्मी मूवी का नजारा लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये कोई चीनी सेना की तरह प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, बल्कि हकीकत में ईरान के ये घातक हथियार बंकर में भरे पड़े हैं, जो इस वक्त यूक्रेन जंग में रूस की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के लिए ईरानी मिसाइलें काल बन चुकी हैं। अब वॉर जोन से जो खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से ईरान रूस को जबरदस्त हमला करने के लिए बेहद घातक मिसाइलें देने जा रहा है।
जबकि ईरान की कुछ मिसाइलों से रूस ने हमले भी शुरू कर दिए हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस ने ईरानी हथियारों से यूक्रेन का धुआं निकाल कर रख दिया है। क्रेमलिन पर सिर्फ दो ड्रोन से हमला हुआ था। रूस ने तो यूक्रेन के 9 शहरों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से भयानक हमले करके यूक्रेन के 9 शहरों को कब्रिस्तान बना दिया है। जरा देखिए कैसे रूस क्रेमलिन ड्रोन अटैक का बदला ईरान की घातक आत्मघाती मिसाइलों से ले रहा है। ईरान के फतेह 110 और जोल्फाघर मिसाइल यूक्रेन पर भारी साबित हो रही हैं। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन के पास अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ईरानी मिसाइलों के निशाने पर आ चुका है। इससे पहले अमेरिका और नेटो के सभी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी ड्रोन, रूसी ड्रोन और ईरानी मिसाइलों के हमले में तबाह हो चुके हैं। दावा किया गया है कि ईरानी और रूसी मिसाइलों के हमले में यूक्रेन की 45% आर्टिलरी यानी तोपखाना तबाह हो चुका है। इसके अलावा ईरानी सेना ने कादर क्रूज मिसाइल रूस को देने के लिए तैयार कर ली है। कादर मिसाइल मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल है। वहीं ईरान रूस को हवा से जमीन पर मार करने वाली लेजर गाइडेड 70 मिसाइल भी दे रहा है। ईरान रूस को अपनी फकौर 90 मिसाइल देने जा रहा है, जो यूक्रेन और नेटो के लिए साक्षात मौन बन जाएगी। भले ही यूक्रेन अमेरिका और नेटो को लगे मॉस्को ड्रोन से घबरा गया है, लेकिन हकीकत में रूस किसी भी कीमत पर जंग हारने को तैयार नहीं है। जबकि ईरान ने यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका और नेटो से बदला लेने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड एरोस्पेस फोर्स के हेड अमीर अली हाजी जादे चुन चुन कर रूस को ईरानी हथियार देने में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेटो और अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ जो काउंटर अटैक मार्च 2023 के आखिरी हफ्ते में करने थे, वो हमले यूक्रेन अब तक रूस पर नहीं कर पा रहा है। सिर्फ बखमूत में 1-2 हमले कर पाया है, जो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका को अब सीधी धमकी भी देनी शुरू कर दी है। توانای نیروهای مسلح ما به گرمی می فشارد هر دستی که امروز در منطقه بخواهد امنیت را برای منطقه حفظ بکند و کشورهای منطقه و حضور रूस ने 36 घंटे में जिस तरह से ड्रोन अटैक का बदला लेना शुरू किया है, उससे यूक्रेन के होश उड़ गए हैं। हालांकि डॉनबास, डोनेस्क और क्राइमिया में यूक्रेन बाजी पलटने के लिए काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि नाटो और अमेरिका के घातक हथियार बहुत देर से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। जबकि रूस के पास ईरान की वजह से हथियारों की कमी नहीं है। ईरान 2-3 महीने पहले ही तोप और टैंक के लिए रूस को 3,00,000 गोले और 10 करोड़ गोलियां दे चुका है। वहीं यूक्रेन को जो हथियार नेटो, अमेरिका और यहां तक कि पाकिस्तान से मिले हैं, वो एक एक करके रूस तबाह करता जा रहा है। ईरान ने तो कसम खा ली है कि या तो रूस जीतेगा या फिर रूस और ईरान दोनों तबाह होंगे। इसीलिए ईरान हथियार सप्लाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पहले आप ये देख लीजिए कि नेटो के 31 देश, पश्चिम के 50 देश और पाकिस्तान जैसे बर्बाद देशों से जो हथियार यूक्रेन को मिले हैं, उनका हाल रूस ने जंग के मैदान में क्या किया है, जरा देखिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस बाजे गाजे के साथ अमेरिका का हिमार्स रॉकेट सिस्टम यूक्रेन भेजा गया था, उस हिमार्स रॉकेट को रूस ने बुरी तरह से तबाह कर डाला है। 16 में से 8 हिमार्स रॉकेट सिस्टम रूस तबाह करने का दावा कर चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को 80 किलोमीटर रेंज वाले हिमार्स रॉकेट दिए हैं, जबकि यूक्रेन 300 किलोमीटर की रेंज वाले हिमार्स रॉकेट मांग रहा है। कुछ दावों के मुताबिक अमेरिका के 6 हिमार्स रॉकेट सिस्टम ट्रायल में फेल हो चुके हैं। वहीं अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के लिए ईरानी मिसाइलें फतेह 110 और जोल्फाघर बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। यूक्रेन को पाकिस्तान से रॉकेट, टैंक और तोप के गोले मिले थे, जो जंग में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। खुद यूक्रेन की सेना की 17वीं टैंक ब्रिगेड के कमांडर वोलोदिमीर ने दावा किया है कि पाकिस्तान के तोप के गोले तोप की नाल में फट रहे हैं, जिसकी वजह से कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। जबकि पाकिस्तान के रॉकेट, जिनकी रेंज 6,000 से 10,000 मीटर बताई गई थी, वो सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ही फट रहे हैं। पाकिस्तानी तोप के गोले और रॉकेट यूक्रेन के सैनिकों का काल बन चुके हैं, जिसे लेकर जेलेंस्की बेहद परेशान है। जेलेंस्की को यही समझ में नहीं आ रहा कि यूक्रेन की सेना को 14 महीने बाद भी घातक मिसाइलें और F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमान अमेरिका क्यों नहीं दे रहा है, जबकि चेक गणराज्य, रोमानिया और पाकिस्तान के घटिया हथियार यूक्रेन को जंग जीतने की बजाय हरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मरते पिटते यूक्रेन के साथ नेटो और अमेरिका मजाक कर रहे हैं।